लेटर यानी उर्फ, किसी भी जुबान का बुनियादी सा लेटर होता है हमारे पास। हर जुबान को अगर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके हमारे को उर्फ आने चाहिए, वो सबको आता है। लेकिन अगर हम लेटर हमने पढ़ा, तो लेटर को हम जमा करेंगे, हमारे पास क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। इसको भी हमने पढ़ा है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। जैसे कि आपने लेटर को जमा किया, वर्ड बना। अब वर्ड को जमा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? हाँ, सेंटेंस बनेगा, जुमला बनेगा। देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, और इसको अपने ज़ुबान के साथ मिलाइएगा। एक मेरा नसीहत याद करना, हर वक्त आप इंग्लिश या किसी भी ज़ुबान को पढ़ना चाहोगे, उसको पढ़ोगे, तो आपको दोनों ज़ुबान को मिलाने पड़ेंगे, यानी अपना ज़ुबान एक, और दूसरा आप उस जिस ज़ुबान को पढ़ रहे हैं उस दोनों को मिलाओ। जैसे कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको कुछ मिलता है, आपको मिला अभी अभी हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, तो इसका अपने ज़ुबान में मतलब देखो। मतलब क्या है? इसका मतलब है जुमला। अब अपने ज़ुबान में तो तुम्हें आता है जुमला क्या है, तो इसी तरह अपने ज़ुबान में आता है, तो समझ लेना आपको इंग्लिश में भी आ गया। अब इंग्लिश में तरीके कार अलग होते हैं, जुमले लिखना अलग होता है, अल्फाज अलग होते हैं, ट्यून अलग होता है, तो वो आपको जानने पड़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आसान है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, क्योंकि आपको जुमला तो पहले से आता है। तो जुमला बस एक ही लफ्ज़ है, बस ज़ुबान का डिफरेंस है, तो ज़ुबान का डिफरेंस, इतनी बड़ी डिफरेंस है ही नहीं। तो आज की हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि मौजू क्या है और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों को लिख लेना अपने कॉपी में, ताकि आप एक परमानेंट स्टूडेंट बने और इनको समझें और आगे जाएं, ताकि आपके काम आ जाएं। का बाद दूसरा मैसेज हम बाद में पढ़ लेंगे। इधर अब देखो, यानी के अल्फाजों का मजमूआ है, ये तरतीब से जुड़ा हुआ अल्फाजों का मजमूआ। सेंटेंस मतलब कुछ अल्फाज हैं जो तरतीब से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर लफ्ज तरतीब से नहीं जुड़े तो हमारे पास सेंटेंस नहीं होगा, यानी अल्फाजों का मजमूआ नहीं। अगर हम यहाँ पर कुछ जुमले लिखे, कुछ अल्फाज लिखेंगे, तो जो जुमला बनेगा नहीं। अब देखो, यू शी इट दे वी, ये सब अल्फाज हैं। अभी जुमला बना नहीं बना, क्योंकि ये जुमले तरतीब से नहीं है। हिज इट पेन कार, ये जुमला तरतीब से नहीं है। और दूसरी हमारे पास मैसेज है, दैट गिव अ सेंस, जो एक सेंस देता है, जो एक मैसेज कैरी करता है, दैट कैरीज अ मैसेज। अब देखो, जुमला ऐसी चीज़ है जो तरतीब से बना है, और वो एक मैसेज दे, जिसका एक मैसेज हो, तो उसे बोलते हैं सेंटेंस। अब समझ लेते हैं, आपकी ज़ुबान में आप बोलते हो तुम, मैं और दुबई, इसमें कोई मैसेज है? तुम, मैं और दुबई, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैसेज नहीं है। तुम ए और दुबई, तुम मैं और दुबई, ऐसे इसमें कोई मैसेज नहीं है। तुम और मैं दुबई जाएंगे, अब देखो इसमें मैसेज है और तरतीब से हैं, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस है हमारे पास। हाँ, अब देखते हैं इसके मिसाल इंग्लिश में, देखते हैं शायद समझ में आ जाएगा, और इसको ट्रांसलेट करते हैं। इधर देखो, इस जुमलों को गौर कीजिएगा, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। अब अगर हम टीचर को पहले लगाते, टीचर्स दे आर, अब अगर देखो हमने जुमला पहले लिखा दे आर टीचर्स, सही था, क्योंकि वो अरेंज था एक प्रॉपर वे में। पहला मैसेज, कुछ अल्फाज थे जो प्रॉपर में अरेंज थे। अब हमने मिटा दिया टीचर्स दे आर,
ये क्यों, ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अल्फाज तो है, यस दे आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दे आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर वे, ये हमारे पास प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, तरतीब से अरेंज नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जुमला हमारे पास गलत है, ये जुमला नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं। फिर दूसरे जुमले को हम देखते हैं, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। यहाँ पर देखें ये मैसेज हमारे पास सही है, क्यों? क्योंकि ये एक तरतीब से बना हुआ है और इसका एक मैसेज भी है, ये हमारे पास क्या है, जुमला है। दूसरे को देखते हैं, शी इज अ नर्स, वो एक क्या है, नर्स है, जुमला भी सही है, तरतीब से बना है, तो इसका मतलब ये सही है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप ऐसी जुमले बनाते रहें।